फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय अ फोर्स विच इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम टी। तो क्या कह रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है या जो फोर्स है वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट डिस्क्राइब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद टाइम, क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो एफ का मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि अगर ए प्रोपोर्शनल टू टी है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ए ऑप्शन है, क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू टी है, कुछ करना ही नहीं है। कौन सा साल का पेपर है? 2024 का, कुछ करना ही नहीं है, ए प्रोपोर्शनल टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक द फ्लोर यील्ड्स, दब गया एंड ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 0.1। एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर, पहले एक पॉइंट को समझ लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसको लिफ्ट के केसेस बोलते हैं। लिफ्ट के केसेस से भी पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास कोई भी एक फ्रेम है, मान लो ये कार है, ये कार आगे क्या कर रही है, एक्सलरेट कर रही है विद मान लो 2 m/s का स्क्वायर। इस कार के अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 10 kg का और फ्रिक्शन नहीं है, तो 10 kg का ब्लॉक कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा, ठीक है। तो कितनी फोर्स से पीछे जाएगा और क्यों जाएगा, जब ये कार आगे जाएगी फोर्स एक्सपीरियंस पीछे होगी, इसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जिस ब्लॉक पे निकालनी है उसका मास और कार की एक्सेलरेशन जो कि कितनी है 20, तो 20 N की सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कार की एक्सेलरेशन के कैसे है, वो ऑपोजिट है, और कितनी है, ब्लॉक का मास है और एक्सेलरेशन किसकी है, कार की एक्सेलरेशन है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि सूडो फोर्सेस कैसे काम करती हैं? सिर्फ यही नहीं है, इवन पेंडुलम के केस में भी आपने देखा होगा, एक पेंडुलम है और ये कार के अंदर है, कार आगे एक्सेलरेट कर रही है भाई 2 m/s का स्क्वायर, ये पेंडुलम पीछे जाएगा और हो सकता है यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इस मान लो इसका ब्लॉक बॉब का मास 1 kg है, तो 1 × 2 यानी कि 2 N की फोर्स इसको कहाँ लेके आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ ही लिफ्ट के केसेस हैं। लिफ्ट के केसेस में ये बताया जाता है कि अगर आपके पास एक लिफ्ट है और आप लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हैं, आपके ऊपर फ्लोर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और आपका एक्चुअल वेट कितना है, mg, और अगर लिफ्ट किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन, या आपने वेइंग मशीन रख ली, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, वेट नहीं मेजर करती, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, तो वेइंग मशीन कितना नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगी इसमें, mg, इसको अपेरेंट वेट भी बोलते हैं। दूसरे केस में याद रखना, अगर आपकी लिफ्ट है और लिफ्ट के ऊपर फ्लोर ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया और वेट कितना है, mg, और आपकी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इस मैन का अगर आप देखें तो n - mg, n क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो n बड़ा mg छोटा, इज इक्वल टू m × a, तो n की वैल्यू आएगी m × g+a, ये लो। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेट करेगी तो m × g+a, और उसी तरीके से अगर कोई भी लिफ्ट नीचे आएगी, ये n है, ये mg है, और लिफ्ट नीचे आ रही है विद a, तो mg - n इज इक्वल टू m × a, तो n का फॉर्मूला क्या बनेगा, m × g - a, ये याद रखना है आपने, ये तीनों फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं। तो लिफ्ट अगर ऊपर आएगी, नीचे आएगी, और अगर रेस्ट पे रहेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन या अपरेंट वेट कैसे चेंज होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के बेस पे m × g+a या m × g - a, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ये तो बहुत आता है एग्जामिनेशन के अंदर, लिफ्ट वाले केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बेस पे, नॉर्मल रिएक्शन के बेस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूलाज क्लियर है यहाँ तक, ऊपर जाना, नीचे जाना और रेस्ट पे रहना। ठीक, करिए स्टार्ट। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या, अब आप ये क्वेश्चन पढ़ें, एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, 5 kg है,
और एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, ये लो ये फ्लोर है, ये मान लो 5 kg है। इसके ऊपर एक सिलेंडर को रख दिया हमने, कितना 25 kg है, और ये फ्लोर हिल गया और ब्लॉक एंड सिलेंडर गोज टुगेदर डाउन, तो नीचे की तरफ गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना 0.1 m/s का स्क्वायर। एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे क्या, फ्लोर पे जो भी फोर्स लगेगी फ्लोर क्या लगाएगा बदले में, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको इसमें क्या निकालना है, सिस्टम का नॉर्मल रिएक्शन। तो नीचे जो है वेट कितना लग रहा है 30 g, और ये लिफ्ट कहाँ, लिफ्ट वाला केस है सेम, ये लिफ्ट कहाँ आ रही है नीचे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जो नॉर्मल रिएक्शन अभी मैंने करवाया था, जब नीचे आते हैं m इंटू जी माइनस ए लिखवाया था, सीधा फॉर्मूला लगा लो, तो इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 30 इंटू जी, जी कितना है 9.8 है और ए कितना है 0.1 है। तो यहाँ से एक बार चेक कर लो आंसर आ रहा है कितना 298। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है, मतलब इसने लिफ्ट वाले केस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि लोग याद किए हुए फॉर्मूले को ना लगा सकें। तो आप ये अपना फॉर्मूला खुद बनाएं और इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम एन टू जी माइनस को यहाँ पर पुट करें, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये मेंशन्ड है, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सच दैट मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपको, ये मोमेंटम वेक्टर है। आपको एंगल निकालना है किसका, फोर्स का और पी वेक्टर का, एफ वेक्टर का और पी वेक्टर का आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एफ वेक्टर होता है क्या, पहले ये बताओ, डी पी बाय डी टी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो आप इसमें अपना मैथ्स लगाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर को यहाँ पुट करेंगे जो भी गिवन है, आई कैप इंटू कॉस ऑफ कितना के टी और माइनस जे कैप इंटू साइन ऑफ कितना के टी, ऐसे आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ वेक्टर आएगा। तो यहाँ देख लें एक बार, ये आपने डिफ्रेंशिएट किया एफ वेक्टर आएगा, ठीक है एफ वेक्टर आ गया। पी वेक्टर आपको पता है, पी वेक्टर आपको पता है, एफ वेक्टर आपको पता है, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट ध्यान से देखें, आई को आई के साथ जे को जे के साथ, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। चेक करके देख लो, जब आपने डिफरेंशिएट किया पी वेक्टर से एफ वेक्टर आ गया, तो आई वाली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे और आई डॉट आई मल्टीप्लाई करके आई डॉट आई भी वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करें डॉट प्रोडक्ट में, चेक करें कितना आ रहा है, जीरो। और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है एफ और पी वेक्टर का, इसका मतलब एंगल उनके बीच में कितना है 90, आंसर 90 मार्क करना है। और वैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब पी वेक्टर से एफ वेक्टर निकलता है बाय डिफरेंशिएशन, पता नहीं वो जितने भी क्वेश्चन मैंने तो आज तक किए उसमें एंगल हमेशा ही 90 आया है, वो डिफरेंशिएट करके देता ही ऐसा है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाए, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या गिवन है, एक लाइट स्ट्रिंग है, एक लाइट स्ट्रिंग है, पासेज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेज m1 एंड m2, एक्सेलरेशन गिवन है, तो मासेज की रेशियो निकालनी है। तो ये तो वही क्वेश्चन है, अ लाइट स्ट्रिंग पासेज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, ये रही पुली, और लेट अस सपोज ये मास कितना है m2, ये मास कितना है m1, और आपको ये गिवन है कि m2 बड़ा है, तो ये सिस्टम नीचे और ये ऊपर जाएगा, और आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्वेश्चन में गिवन है कितना, g/√2, तो m2 m1 की रेशियो क्या होगी। तो एक चीज़ सुन लें, मैंने आपको इसका एक्चुअल मेथड बताया, m2g-t m2a करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है m2-m1/m2+m1 × g, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी पुली के साथ दो मासेज हों तो आप एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लिख लें, m2-m1/m2+m1 × g। अब आपको इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तो गिवन ही है, तो तुम यहाँ एक्सेलरेशन को पुट कर लेना, एक्सेलरेशन को पुट करके सॉल्व करके m1 m2 की रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लाओगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक,
तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हम एम टू की रेशियो निकालनी है। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में अगर वो टेंशन पूछ ले तो टेंशन का फॉर्मूला भी साथ की साथ ही नोट कर लो, 2m1 m2g / m1 + m2, ये टेंशन का फॉर्मूला है। तो टेंशन का फॉर्मूला नोट कर ले और एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी नोट कर लें, एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक्सेलेरेशन और टेंशन इसके इक्वल रहेगी, ये नोट कर लें प्लीज। ठीक है यहाँ तक तो आपने कुछ नहीं करना, असाइनमेंट दूंगा आपको करने के लिए, अभी प्रिंटआउट मिल रहा है तो उसके अंदर आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करना। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं ही कर दूंगा, बाकी 50% आपने करने हैं, 50% मैं करके दूंगा, तो आप एटलीस्ट एक फ्लो में आ जाएंगे किसी भी चैप्टर के। तो पी वाई क्यू करने बहुत ज़रूरी हैं, बस आप ये समझ लें कि अगर आपने पी वाई क्यू कर ली, पी वाई क्यू की वो ब्लू कलर की किताब है, 2 महीने में अगर कवर कर ली +1 + 2 की, आपकी सिलेक्शन फिजिक्स में तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, पक्की बात है। अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, अब तुम कैसे करोगे, रात दिन जाके करोगे, नहीं करोगे, फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले नहीं करोगे, सेकेंड अटैम्प्ट से पहले भी करनी पड़ेगी, तो करनी तो पड़ेगी। मतलब कोई स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हुआ उसने पुराने पेपर सॉल्व किए बिना उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ, उसने किए ही किए हैं। और इससे आसान रास्ता कोई नहीं है, इससे आसान कंपटीशन भी कोई नहीं है, क्योंकि जब पता है कि इस किताब में से पेपर आने हैं, अब इससे आसान क्या होगा, क्योंकि इसके बाद दुनिया में जितने भी कंपटीशन है उसकी किताब तो है ही नहीं। तुम आईएएस की तैयारी करोगे तो किताब कौन सी किताब है मुझे भी बताओ, कहाँ से तैयारी होती है, तो सारा कुछ ही पढ़ना पड़ता है। कुछ भी आप कैट की तैयारी करोगे, एमबीए करोगे, क्या तैयारी है, कुछ नहीं। किसी भी एग्जामिनेशन को ले लो, कुछ भी नहीं है। आप जितने भी एग्जामिनेशन आज के बाद इस पेपर के बाद देंगे उसकी उसके अंदर ना स्किल चाहिए, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किताब में से पढ़ा और सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। इंग्लिश है तो इंग्लिश का पूरा स्किल चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको मुश्किल कॉम्प्रिहेंशन विदिन 3 मिनट्स पढ़ने और आंसर देने हैं, तो देखो आप उसको इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे जब तक आपके अंदर एक स्किल ना हो रीडिंग का, तो वो ज़्यादा मुश्किल काम है, ये ज़्यादा आसान है। किताब करो और सीट लो, ख़त्म करो, ठीक है, कर लेना इसको बैठ के। नेक्स्ट, बॉडी वेज 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ 10 kg। तो एक पेड़ की टहनी है और उसमें 200 न्यूटन का वेट है और चेन का खुद का मास भी 10 kg है। ब्रांच पुल दी चेन बाय अ फोर्स ऑफ, तो कह रहे जी वो जो पेड़ की टहनी है उसके ऊपर क्या लग रही है, कोई फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स क्या होगी, इसकी टेंशन होगी, और तो क्या ही होगा। एक्सेलेरेशन तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो आप सिंपल ऐसा क्यों नहीं करते, ये चेन है मान लो, स्प्रिंग नहीं है, चेन है, तो ये ब्रांच है, टेंशन क्या होगी ये बता दो, ये तो खड़ा हुआ है, ये तो मूव भी नहीं कर रहा, तो ब्लॉक का वेट 200 न्यूटन है और चेन का मास 10 kg है, तो 10 × g, 10 × 10 ऐड कर लेना, 300 न्यूटन आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। करना तब होता है जब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होता या रिटार्ड कर रहा होता, ऊपर नीचे तो मूव ही नहीं करने को कह रहा है, वो तो चेन टंगी पड़ी है और पेड़ की टहनी के ऊपर वो कह रहा है फोर्स क्या लग रही है, जितनी टेंशन वही फोर्स लग रही है, बातें खत्म। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको टेंशन निकालनी है, जो चेन और ब्लॉक का वेट है दैट सेट, कुछ नहीं है। प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास गिवन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20, तो मास गिवन है और स्पीड गिवन है। इफ़ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, याद रखना क्रिकेट का कि बॉल का कैच करना ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का एग्जाम्पल है, फोर्स इंटू टाइम है। तो इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू वॉट। तो आप इसमें जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए कि आपने बॉल को कैच करना है, ऐसे 3-4 प्रॉब्लम आ रखी हैं, तो आप सिंपल एक काम करना, बॉल का मास आपको आपको पता है, एम, स्पीड भी आपको पता है, तो एक काम करें आप मोमेंटम निकाल लें एम वी, और फाइनल मोमेंटम क्या होने वाला है, 0, क्योंकि अल्टीमेटली तो बॉल रेस्ट पे आएगी, उसको कैच कर लिया गया, आपका हाथ तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस 0, एम पता है, वी पता है, मोमेंटम का पता है। अब चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, फोर्स इंटू टाइम। अब ये प्रोसेस कितनी समय में हुआ, 0.1, फोर्स निकालनी है, निकाल लेना फोर्स आ जाएगी। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, आप इसमें ये लगा रहे हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, या चलो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ऐसे लगा लें डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा लगाने का मतलब यहाँ पर फोर्स अब एवरेज है, एवरेज है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा, ये लगा रहे हैं एफ इंटू डेल्टा टी, क्या होता है इम्पल्स, और इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो ये मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया और ये मैंने इम्पल्स लिख ली, टाइम आपको पता है, एम आपको पता है, वी आपको पता है, वहाँ से फोर्स निकाल लेना आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है, फिर से एक बार देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ
और देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2024 में दो बार पेपर में आया है, 2002 में भी आया है, सेम क्वेश्चन है, फिर से एक पुली के ऊपर मास M1 M2 है, एक्सेलरेशन फिर दे दी उसने G/8, अभी किया था ना क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का शॉर्टकट M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G, एक्सेलरेशन दे दिया, मास की रेशियो निकाल लेना, आंसर रिपीट है, और 3-4 बार रिपीट हो लिया, इससे और क्या आंसर देगा वो आपको। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, बॉडी जिसका मास गिवन है एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, दो फोर्सेस हैं, एक्सेलरेशन क्या होगी, बोलो क्या करें, इन दोनों को ऐड करके पहले नेट वेक्टर निकाल लें, एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसे ऐड कर देंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा, उस नए वेक्टर की जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसको ऐड करो तो ये 8 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 4 जे कैप हो जाएगा, यहाँ से प्लस 4 के कैप हो जाएगा, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हो, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर F की वैल्यू आ गई, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, सिंपल A इज इक्वल टू F/M, तो एक्सेलरेशन पहले नेट वेक्टर निकाल के उसको मैग्नीट्यूड लेके मास से डिवाइड करके आपका आंसर आएगा, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं लेना, अच्छा ओके सॉरी, मैं ऑप्शन ही चेक की, मैंने वैल्यू चेक की, तो आप मैग्नीट्यूड मत लेना, आप F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लेना, डिवाइड बाय मास कर देना, क्योंकि आपका आंसर आई कैप जे कैप में है इसलिए, हाँ अगर मैग्नीट्यूड होता तो फिर मैग्नीट्यूड लेते, नहीं तो ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगेगा, बस ये बता दो मुझे इसमें, बड़ी जल्दी आपने चेक कर लिया, कैसे, अभी तुमने स्लाइड ऊपर की थी, तो क्रिकेट बॉल फिर से क्या हो रही है, कैच हो रही है, और कैच हो रही है, और इतने टाइम में कैच हो रही है, फिर फोर्स निकालनी है, फिर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हो जाएगा सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास लेट अस सपोज ये एक पुली है, ये एक पुली है, या ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलो ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के डायग्राम कैसे बनते हैं, इंक्लाइन प्लेन के डायग्राम ऐसे बनते हैं कि ये मास है, इस मास का वेट कैसे लग रहा है, mg नीचे की तरफ, ये थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा, इसके कंपोनेंट्स बनते हैं mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे बनता है कितना, mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर एक पुली गिवन है, ये रही पुली, और इस पुली के साथ ये एक मास गिवन है, लेट अस सपोज m', तो क्वेश्चन आएगा कि इसकी एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम की, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो तुमने कुछ नहीं करना, इसकी इस तरीके से टेंशन TNT ले लेनी है, टेंशन TNT ले लेना है, और आपने फर्स्ट इक्वेशन बनानी है यहाँ पर m'g - t इज इक्वल टू m'(a), और यहाँ पर ये सिस्टम आगे जा रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहा है, तो t - m1g या m1g की जगह t - mg साइन थीटा इज इक्वल टू m(a), इनको सॉल्व करके a और t' की या a और t की वैल्यू आ जाएगी, मतलब याद नहीं करना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, TNT बना लेना है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज ma, और t - mg साइन थीटा इज ma, यहाँ से आंसर आएगा। तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें एक पुली फिक्स्ड है, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसके ऊपर सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन से भी पहले एक और चीज़ और सुन लो, अगर ये पुली है, और याद करो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, ये m1 है, ये m2 है, m2 नीचे आ रहा है, m1 ऊपर आ रहा है पुली सिस्टम में, और इसके अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, m2 - m1 / m2 + m1 × g, ये लिखवाया, और टेंशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया, 2m1 / m2 g / m1 + m2, ये लिखवाया। याद रखना इस हिस्से में अगर यहाँ टेंशन की वैल्यू टी है, यहाँ टेंशन की वैल्यू अगर टी है, इस हिस्से में टेंशन हमेशा क्या होती है, डबल हो जाती है, ये याद रखना, ऊपर वाले हिस्से में डबल हो जाती है, इसको थ्रस्ट ऑन पुली बोलते हैं, थ्रस्ट ऑन पुली, तो थ्रस्ट की वैल्यू 2t होती है, तो यानी कि जो भी टेंशन है उसको ट्वाइस कर देना तो थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको एक मूविंग पुली का क्वेश्चन आ गया, जब ये पुली मूव करती है, जैसे सपोज करो
ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये एक फिक्स पुली है, ये एक मूविंग पुली है। मूविंग पुली का मतलब, चलो ये ऐसे बांध लेते हैं इस तरीके से, ये हवा में घूम भी सकती है और ऊपर नीचे भी मूव कर सकती है, ऐसे है। और यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, लेट अस सपोज एम टू ऐसे, और ये है एम वन ऐसे, और ये है थीटा। तो याद रखना इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का क्या तरीका है। इस टाइप को प्रॉब्लम को ऐसे करना है, यहाँ टेंशन टी एन टी ले लेनी है, यहाँ टेंशन टी एन टी ले लेनी है, ये तो है ही है, पेयर में होती है टेंशन, एक ही रस्सी जा रही है तो एक ही टेंशन है। मैंने अभी अभी बताया इस हिस्से में टेंशन क्या होती है, डबल कर देनी है, टूटी टूटी कर देनी है, तो यहाँ टेंशन डबल लेनी है। और एक और रिजल्ट है, शॉर्टकट है सीधा, रिजल्ट ये है कि जहाँ पर पुली मूव करती है और जहाँ टेंशन ट्वाइस होती है, वहाँ इसकी नीचे आने की एक्सलेशन इसकी ऊपर आने की एक्सलेशन से हाफ होती है। ये शॉर्टकट याद रखना है। इसकी एक्सलेशन अगर ए है जिसकी टेंशन टी है, तो जिसकी टेंशन डबल हो जाएगी उसकी एक्सलेशन हाफ हो जाएगी, ये शॉर्टकट रिजल्ट है। और लेकिन ये किस में लगता है, ये सिर्फ मूविंग पुली में लगता है, जब पुली मूव करती है उसी में टेंशन डबल होती है और वहाँ पर एक्सलेशन उसकी हाफ होती है। तो इसकी इक्वेशन अगर कल को बनानी पड़ जाए तो ऐसे बनती है, एम टू जी माइनस टू टी एम टू इंटू ए बाई टू, एम टू इंटू ए बाई टू, और यहाँ से ये एम वन जी साइन थीटा है, साइन थीटा, तो यहाँ से क्या बनेगा, टी माइनस एम वन जी साइन थीटा इज एम वन इंटू ए, मतलब यहाँ पर एक्सलेशन आपने ए बाई टू लेनी है और टेंशन आपने डबल लेनी है, तो आपका आंसर आएगा। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट उसने क्वेश्चन में पूछ ही लिया, मतलब मूविंग पुली वैसे आता नहीं है पर ये आ गया, तो मैं बता ही देता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व मूविंग पुली का। जब जब पुली मूव करेगी तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम अच्छा नहीं बनाया हुआ बहुत, मतलब स्ट्रिंग ना टेढ़ी सी करके बना रखी है, मतलब टेढ़ी नहीं होती, वो सीधी होती है, मतलब अच्छा डायग्राम नहीं है, पर चलो अच्छा है, जैसा भी है क्या फर्क पड़ता है। तो अपने को ये पता है कि यहाँ टेंशन टी एन टी, यहाँ टेंशन टी एन टी, यहाँ पे टेंशन टू टी एन टू टी, इसका वेट कितना है, फोर जी, यहाँ पे क्या लगेगा, टू जी साइन थर्टी, इसकी एक्सलेशन अगर ए तो इसकी एक्सलेशन कितनी, ए बाई टू, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक ही क्वेश्चन ये बना लेना, फोर जी माइनस टू टी इज फोर इंटू ए बाई टू, और दूसरी क्वेश्चन यहाँ बना लेना, टी माइनस टू जी साइन थर्टी इज टू इंटू ए, बस इन्हें सॉल्व करके उसने ए पूछा है ए निकाल लेना, और अगर टी पूछा है टी निकाल लेना। मतलब जिसने मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट सीख रखा है देखो वो लगा पा रहा है इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मूविंग पुली का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करना है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है मूविंग पुली के बाद, मतलब देखो ये प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी, मैं आपको इस तरफ वैरायटी दिखाता जा रहा हूँ, क्या क्या वैरायटी, 10 न्यूमेरिकल करवा के क्या करूँगा, 10 न्यूमेरिकल से अच्छा तो ना ही करूँ, मतलब 150 में से 10 कर भी लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम 50% तो करो, 50% तो किताब होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हो ना आपको ट्रेंड पता लगता है कि क्या ट्रेंड है, आप 10-10 क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं पता लगता आपको, आप देखो ना आज के लेक्चर में 2:30 बजे तक आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा फोर्स में आता क्या है, उसके बाद मेरी बात मानो रेपिटेशन है क्वेश्चंस की, वही बेसिक क्वेश्चन बार 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 पूछे जा रहे हैं। स्फेरिकल बॉडी जिसका मास गिवन है, इट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ठीक है एक बॉडी है ये रही और इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब क्या समझते हो, यू इज इक्वल टू जीरो, ये रहा इसको ड्रॉप किया और 10 मीटर से ड्रॉप किया, ये 10 मीटर है, ऑब्वियसली ये नीचे जाके किसी वेलोसिटी से इसको क्या करेगी, हिट करेगी, और वो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, तो ये हिट करेगी, आप 10 मीटर जानते हो भी तो निकाल ही लोगे, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल कहां पर आ जाती है, 5 मीटर पे आ जाती है, तो इसकी ये आने की वेलोसिटी है, जब ये वापस जाती है तो इसकी वेलोसिटी ना वी डैश हो जाती है, जाने की वेलोसिटी वी डैश है, आने की वी है, जाने की वी डैश है, क्यों मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि 10 मीटर से बॉल आ रही है वापस 10 मीटर पे नहीं जा रही, अगर ये 10 मीटर पे जाती तो वेलोसिटी वी ही रहती, पर यहाँ पर अब ये कितने मीटर तक गई, सिर्फ 5 मीटर तक गई, 5 मीटर पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तो अब मैं वी डैश निकाल लेता हूँ, क्या है
वी डैश के लिए फिर से लगा लो, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, या काइनेमेटिक्स लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू माइनस जी इंटू पाँच। तो चलो यहाँ से सॉल्व करके सपोज करो आपने वी डैश भी निकाल दिया, तो आपने वी निकाल दिया, टक्कर से पहले वेलोसिटी निकाल दी, टक्कर के बाद वेलोसिटी निकाल दी, राइट। मास आपको पता है, क्या निकालना है, इम्पल्स क्या होगा। देखो जो इम्पल्स है, या तो फॉर्मूला लगता है फोर्स इंटू टाइम, यहाँ पर टाइम तो मैंशन है नहीं, या फिर फॉर्मूला लगता है चेंज इन मोमेंटम। तो एक चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, कैसे, जब बॉल हिट करती है ग्राउंड को तो इतने मोमेंटम से हिट करती है, एम इंटू वी, वी तो निकाल लोगे, और टक्कर खाते ही इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, एम इंटू वी डैश, और वी डैश तो निकाल ही लोगे, ठीक है, आने और जाने की वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी आपको। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा मान लो एम वी आने का मोमेंटम है माइनस माइनस एम वी डैश, माइनस लगा देना डायरेक्शन, क्योंकि क्या हो गई चेंज, तो डायरेक्शन की वजह से चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आएगी एम वी प्लस एम वी डैश, और यही क्या कहलाएगा आपका, इंपल्स। निकाल लेना वी, निकाल लेना वी डैश, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, जब भी बॉल रीबाउंड करके जाएगी तो एक वेक्टर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा डायरेक्शन की वजह से, तो फाइनल मोमेंटम उल्टा कर लो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चलो ऐसे कर लो, आप ऐसा कर लो, इंपल्स ऐसे लिख लो, इस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल लिख लो ये है, इनिशियल लिख लो ये है, पर इनिशियल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो माइनस माइनस प्लस, एक ही बात है, आंसर तो वही आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, रीबाउंड के केस में माइनस माइनस लगेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी बॉल रीबाउंड करेगी तो यहाँ पर माइनस कभी नहीं आता, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली प्लस ही हो जाता है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करना ही नहीं और। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, तीन ब्लॉक्स हैं और 80 न्यूटन की फोर्सेस को पुल कर रहे हैं, टेंशन निकालनी है, तो एक काम करो, यहाँ टेंशन T2 एंड T2 पेयर में, यहाँ टेंशन T1 T1 पेयर में, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन 80 माइनस T2 इज 2 इंटू ए, मान लो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसकी क्या बनेगी, T2 माइनस T1, क्योंकि ब्लॉक राइट जा रहा है तो T2 बड़ा है, T1 छोटा है, इज 3 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये राइट जा रहा है तो T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इन तीनों को सॉल्व करके टी और ए, T1 T2 एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। तो सारी गेम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की है, तो आपने कुछ नहीं करना है इसमें, T1 T1 T2 T2 T3 T3 ले लेने और एक एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है, बड़ी में से छोटी फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना है, आपका आंसर आएगा इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है, ये क्वेश्चन तो फिर भी NCERT बेसिक से पूछे जा रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिसका मास गिवन है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट। वो कह रहा है कि मेरे से आप वेलोसिटी ले लो, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देख रहे हो, वेलोसिटी वेक्टर है। तो एक काम करो, तुम ना इस वेलोसिटी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लोगे, डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। एक्सेलरेशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो मास के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करके एफ वेक्टर आ गया, जो भी एफ वेक्टर आएगा उसमें इसके इक्वल कर दो, क्योंकि फोर्स वेक्टर तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा वो टाइम की फॉर्म में आएगा, तो एंड में जब एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा उसमें टाइम को क्या पुट कर दो, वन पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेट करके चेक कर लेना आंसर आएगा, करके देख लो। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये लो वेलोसिटी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करो, ये लो 2 इंटू DT/DT 1 है, तो 2 आई कैप प्लस ये कितना आएगा 6 टी जे कैप, ए वेक्टर आ गया। मास से मल्टीप्लाई करो, मास इंटू ए वेक्टर फोर्स है, और फोर्स वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो फोर्स वेक्टर गिवन है, तो मास कितना गिवन है 500 ग्राम, 500 को 1000 से डिवाइड कर लो। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है, 2 आई कैप प्लस 6 टी जे कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो टाइम को क्या पुट कर लो, वन, क्वेश्चन में वन गिवन है, कंपेयर कर लो आई का कोफिशियंट आई के साथ, जे का कोफिशियंट जे के साथ, निकाल लेना जो निकालना है आपने इसमें। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक, क्योंकि एक फोर्स फैक्टर आप निकाल लोगे, एक गिवन होगा, आप दोनों को कंपेयर करोगे, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। आंसर इसका, इसका आंसर आ रहा है बी आ रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, एवरेज फोर्स गिवन है, इज अप्लाइड ऑन अ मशीन गन
firing bullets each of mass 10 gram at a speed of 250 meter per second to keep it in position. Number of bullets fired per second by the machine gun is equal to what? देखो machine gun से जब गोलियां चलती हैं ऐसे तीन चार क्वेश्चन आए हुए हैं. तो machine gun है ये रही machine gun. तो machine gun में से गोलियां चल रही हैं bullets चल रहे हैं bullets चल रहे हैं तो gun पीछे जाती है. मैं कितनी फोर्स लगाऊं गन पे कि गन पीछे ना जाए. तो जितनी बुलेट्स ने फोर्स लगाई गन के ऊपर वही फोर्स निकालनी है मुझे. बुलेट्स के ऊपर क्या फोर्स लगी? डी पी बाय डी टी. ये रहा गोलियां निकलना बंदूक में से ऐसे है जैसे पाइप में से पानी निकल रहा है. ऐसी तो है पूरे इस बंदूक का जो है इस गन का मास घटता जा रहा है कम होता जा रहा है. तो जब पानी निकलता है गैस निकलती है मैंने सिखाया था उसमें आप क्या करोगे इसमें F इज इक्वल टू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है गोलियों की dm बाई dt. तो मास चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम. कैसे? अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है. पहले पहली बात तो इसके अंदर फोर्स की वैल्यू तो गिवन ही है इसमें. तो मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर लेता हूँ. तो F मैं लगाने वाला हूँ v इंटू dm बाई dt. अब देखो फोर्स कितनी है 125. वेलोसिटी कितनी है 250 एक बुलेट की dm dm का मतलब मास. अब मास कितना है एक बुलेट का? ईच मास 10 ग्राम. और इसमें कितने बुलेट्स निकल गई वो मुझे निकालना है. तो एक काम करते हैं मास बुलेट का पुट कर लेते हैं 10 ग्राम 10 बाई 1000. और मान लो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है n इन 1 सेकेंड. तो टाइम की जगह क्या पुट कर दिया 1 सेकेंड. निकाल लेना n आ जाएगा यही है ना. और ये यही है पर सेकंड. पर सेकंड का मतलब टाइम वन है. तो एन निकाल लेना आंसर आएगा इससे. तो करना क्या है एन से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये एक बुलेट का मास है और ये एक बुलेट का मोमेंटम है. हमारे यहाँ तो बहुत सारी बुलेट्स निकल गई तो एन से मल्टीप्लाई करके टोटल मोमेंटम निकालना पड़ेगा. तो टोटल मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके फोर्स की वैल्यू आएगी. ये क्वेश्चन है तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाना है इसमें. ठीक है तो डी पी बाई डी टी की ही एप्लीकेशन है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट है बॉडी जिसका मास 500 ग्राम है मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू. आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेलोसिटी जो एक्स के साथ क्या हो रही है? चेंज. ठीक है वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है ये आपको गिवन है. आपको क्या निकालना है? आपको इसमें फोर्स निकालनी है. अब देखो फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कैसे निकल सकती है? डीवी बाय डीटी. तो आप यहां पर क्या करोगे? डी बाय डीटी ऑफ वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 10 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू डी बाय डीटी ऑफ एक्स की पावर कितनी है? हाफ. तो 10 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस हाफ. लेकिन एंड में एक प्रॉब्लम है. एंड में क्या प्रॉब्लम है? आप क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ एक्स कर रहे हो तो एंड में डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. और डी एक्स बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी वी. मैथ्स है कैलकुलस इतना तो मेरे घर से पता है. ठीक है तो डी एक्स बाई डी टी क्या? वेलोसिटी वी. वेलोसिटी वी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 इंटू रूट एक्स. जब आप सॉल्व करेंगे रूट एक्स और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल होके ए आ जाएगा. ये सब कैंसिल हो रही है. ए की वैल्यू आ गई और फिर ए आ गया तो मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ गई. पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर तो देखो आपका पेपर इस साल इस लेवल का आ गया तो मैं 100% कह सकता हूं कि तुम्हारी ही बेवकूफ़ी होगी इसको क्लियर ना करना और किसी की भी नहीं है. तुम किस्मत को बिल्कुल ब्लेम मत करना और ना ही भगवान को बीच में डालना. हे भगवान तुमने ऐसे 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 मेरे से बचाया नहीं, ये किया वो किया. मैं बता रहा हूं तुम्हें इससे आसान पेपर नहीं बन सकता. बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पे चल रहा है. अगर आप 2018-19 का पेपर देखें वो था खतरनाक पेपर. 18-19 का पेपर है ज़बरदस्त. हर पूरे के पूरे हर चैप्टर के अंदर आप देखेंगे प्लस टू के अंदर आपने ये पूरी किताब की है उसका लेवल ज़्यादा है. पर जो मैंने देखा है 2022-23-24 ये 3 साल के पेपर तो बिल्कुल ही एवरेज लेवल के पेपर हैं. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल भी कुछ ऐसा ही आ जाए तो ठीक ही हो जाए. बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है. ठीक मैं तो आपको पूरा पेपर ही करवा सकता हूँ. ठीक है मतलब इतने तो नीट वालों को बेचारों को 45 करने पड़ते हैं. आप यह अंदाज़ा लगा लो इतने तो नीट वालों को 45 कर रहे हैं एक घंटे में. जो मेन्स वालों को ऐसे 25 करने हैं सिर्फ. 5-6 मुश्किल लगा लो. बाकी तो यार फिर भी इस लेवल का पेपर तो फिर भी आसान है. ठीक 3 फोर्सेज F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन दी मास 5 kg. तो 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और F2 F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे हैं.
एफ वन को हटा दिया तो एक्सलेशन क्या है? अब ये तो ना देखो, इसको तो हटा ही दिया तो बात ही क्यों कर रहे है? तो अब वो क्या कह रहा है, एक आठ फोर्स है और एक कितनी है, छह फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री पे बोल ही रहे, तो नेट फोर्स क्या होगी इनका, वेक्टर सम, वो आप पाइथागोरस से निकाल लेना, पैरेललोग्राम से निकाल लेना, 10 आ गई, नेट फोर्स 10 है, नेट फोर्स को की वैल्यू को निकालना है तो मास कितना है इसमें पता है, 5 kg, तो नेट फोर्स को 5 से डिवाइड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आंसर, ठीक है यहाँ तक? तो ये इसका आंसर है। देखो ये आप एक होमवर्क लिखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, जैसे एक्सेलरेशन निकालनी है, मैं वैरायटी बताना चाहता हूँ डिफरेंट वैरायटी फोर्सेस की क्या हुई हैं ताकि वो मिस ना हो जाए आज। तो इसके अंदर फोर्स एंड टाइम का ग्राफ है, वो ये पूछ रहा है कि किसका इम्पल्स ज़्यादा है, किसका इम्पल्स कम है, इम्पल्स होता क्या है, फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स इंटू टाइम, इसका अगर आप एरिया निकाल लें फोर्स और टाइम का तो क्या आएगा, इम्पल्स होगा। फोर्स और टाइम का एरिया निकालेंगे तो फोर्स इंटू टाइम की टर्म में आएगा, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। तो आप सबका एरिया निकाल लें सभी फिगर्स का, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम इम्पल्स है आंसर। तो कुछ भी ना करना, फोर्स और टाइम का एरिया निकाल लें, इम्पल्स की वैल्यू आएगी, फिर देख लेना किसका इम्पल्स ज़्यादा है किसका इम्पल्स कम है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दो, साथ 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 ही कर दो। नेक्स्ट, ये अभी हमने किया वो इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम है सेम। तो एम टू जी मतलब इसके अंदर ऐसा फिगर बना सकते हैं, सिंपल फिगर है, ये कितना है 1g sin 30, ये कितना है 4g sin 60, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन है, TNT TNT SA। तो ये मान लो नीचे आ रहा है, ये मान लो ऐसे जा रहा है, तो दिस माइनस दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और टी माइनस 1g sin 30 इज 1 into a। तो वहाँ से सॉल्व करके आप अपना आंसर निकालेंगे, तो निकाल लेना, इसमें टेंशन निकालनी है आंसर, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है ये भी। ठीक, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरी का एक बार खुद देख लेना, इसमें ये भी आसान लग रहा है, इसमें 21 भी बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक है। इसमें 22 में आपको ये इस तरीके से ग्राफ गिवन है, किसका किसका ग्राफ गिवन है, मोमेंटम और टाइम का। मुझे ये बताएंगे कि मोमेंटम और टाइम का ग्राफ आपको दे क्या रहा है वैसे, वाई एक्सिस में पी है, एक्स एक्सिस में टी है, तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होगी, वाई एक्सिस में डी पी है, एक्स एक्सिस में डी टी है, तो क्या देगी आपको, फोर्स। तो स्लोप फोर्स है, पूछा नहीं उसने, ऐसी पूछ लिया कि बताओ किसकी स्लोप ज़्यादा है किसकी कम है, और स्लोप का भी क्या पूछ लिया, तो साइन मत देखना नीचे या ऊपर, बस स्लोप बता दो। स्लोप का मतलब जिसका टैन थीटा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्लोप जो लग रही है मुझे इसकी लग रही है सी की, देखो इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी स्लोप सी की, और सबसे कम किसकी लग रही है, बी की, टैन थीटा इसमें कम है, इसमें फिर भी ज़्यादा है, तो स्लोप चढ़ाई है बेसिकली, यहाँ पर ज़्यादा है फिर कम है और फिर काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सी में है, सबसे कम बी में है, बी में है, तो मार्क कर लेना सी एंड बी। ठीक, सिर्फ स्लोप बतानी और कुछ भी नहीं करना, वही बुलेट्स वाला सेम क्वेश्चन फिर डाल दिया उसने कि गोलियाँ चल रही हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स सेम रिपीट है। पुश या पुल की प्रॉब्लम आया करती थी, ये बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है पुश और पुल की। इस क्वेश्चन को देख लें एक बार प्लीज, तो इस प्रॉब्लम के अंदर 70 kg गार्डन रोलर है और फोर्स इसमें लग रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर क्या है, तो मूव भी नहीं करवा रहा, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये एफ वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लें, ये एफ वेक्टर है, ये कंपोनेंट ड्रॉ कर लें, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ कॉस 30, और ये क्या बन जाएगा, एफ साइन 30, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एन, ऐसे ही है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एन, और इसका खुद का वेट भी क्या हो जाएगा, एम जी, जो कि कितना है 70 g। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा, इसका वेट है 70 g प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 30। आपको एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहां पुट करके एन निकाल लेना, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, जस्ट कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, और फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स ले लिए, एफ कॉस एफ साइन, तो एक क्योंकि फोर्स इधर है, एफ कॉस एफ साइन, नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक 70 g इसका वेट है और एक एफ साइन 30 है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, 70 g प्लस एफ साइन 30 के इक्वल आएगा। ठीक है यहाँ तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
ये बड़ा क्वेश्चन है, काफी 22 में आया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है, आप एक बार क्वेश्चन देख लें। देखो क्वेश्चन समझ रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं। सबसे पहली चीज में ये लगने वाली है कि पूरे सिस्टम को आप तीन मासेज हैं, एक दो और तीन, और यहाँ पुली भी अटैच्ड है, पुली अटैच्ड है तो ये ब्लॉक्स नीचे भी गिर सकते हैं, फ्रिक्शन तो है नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस फोर्स को, फोर्स लगा के इस ब्लॉक को धक्का मार रहे हो। इससे देखो अगर आपने फोर्स ना लगाई तो 20 kg नीचे गिर जाएगा, 10 kg राइट आ जाएगा, बात ही खत्म है। पर आपने अगर फोर्स लगाई तो इसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी। मान लो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए डैश या ए, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कितनी है, m2 इंटू ए डैश इधर, और इसके ऊपर कितनी है, m1 इंटू ए डैश इस तरफ। तो ये इतनी तेज आपने फोर्स लगानी है, m1 ए डैश इतना ज़्यादा लगे कि ब्लॉक ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाए। और क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि आपने इतना तेज फोर्स को लगाया कि मास m2 मूव अपवर्ड इन एक्सेलेरेशन ऑफ 2, मतलब ये सिस्टम ऐसे मूव किया m2 ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक पीछे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन के बने, पर पूरा सिस्टम आगे एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर आपने इसके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाने हैं और आपको क्या बताना है, आपको वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है कितनी है, इसको समझते हैं। इसका पहला डायग्राम M2 के लिए है, M2 देख रहे हो, ये M2 है। M2 ऊपर की तरफ टेंशन T लगेगी, नीचे वेट क्या लगेगा, M2G लगेगा। पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, सूडो फोर्स मेरी तरफ लगेगी। तो देखो टेंशन T लगेगी, वेट M2 का 20G लगेगा, और ये इस तरफ 20A डैश, मतलब पूरा सिस्टम अगर मूव कर रहा है विद ए डैश तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, पूरा सिस्टम मूव करेगा तो ये पीच, मान लो पूरा सिस्टम ए डैश पे मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स क्या लगेगी, 20 इंटू ए डैश। ये इस ब्लॉक को हिट करेगा, मीन इसको दबाएगा, तो इसके ऊपर बदले में नॉर्मल रिएक्शन एन राइट की तरफ लगेगा। तो ये इसका पहला फ्री बॉडी डायग्राम है जो ऐसा है। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ये M2 का ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s का स्क्वायर, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। इक्वेशन बोलो क्या है, t minus 20g is m2 into a। a की जगह यहां पर 2 पुट कर देना, 2 पुट कर देना, सॉल्व करके क्या आ गई, टेंशन t की वैल्यू आ गई, राइट। तो m2 से आपको टेंशन पता लग गई कितनी है, ये स्टेप क्लियर है। तो m2 से आपको टेंशन पता लग गई, अब टेंशन का करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी टेंशन आएगी टी, वो यहाँ भी तो लगेगी टी। अब M1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक M1 इंटू ए डैश, क्योंकि पूरा सिस्टम ए डैश से मूव कर रहा है, एफ ने जो जनरेट की, तो टी लगेगी राइट और M1 ए डैश इस तरह, और पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये लेफ्ट जाएगा, इसके ऊपर की एक्सेलेरेशन 2 है तो इसके लेफ्ट की एक्सेलेरेशन 2 है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में ये टी, ये M1 ए डैश और इसकी एक्सेलेरेशन 2। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो राइट पे टी, लेफ्ट पे 10 इंटू ए डैश सूडो फोर्स और इसकी एक्सेलेरेशन 2। क्योंकि लेफ्ट आ रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी, 10 a डैश माइनस t is m1 इंटू 2। 10 a डैश माइनस t is m1 इंटू a। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, सॉल्व करके अब क्या आ गया, a डैश आ गया, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया पूरा का पूरा ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स आगे मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ a डैश, आपने a डैश निकाल दिया। अब a डैश आ गया तो सोचो n1 भी आ गया, क्योंकि n1 क्या है, 20 इंटू ए डैश। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं ले सकता हूँ 20 इंटू ए डैश 520 है, राइट।
अब लास्ट जो है हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर फोर्स निकालनी है कैपिटल एम। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या लगेगी फोर्स एफ। तो ये देखो एफ फोर्स लगेगी, पुली की टेंशन टी एन टी लग रही है और एक फोर्स एन वन लग रही है। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक में एम टू को फोर्स एन वन लगाई थी, बदले में इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ कितनी लग रही है सेम फोर्स, सूडो फोर्स जो एम टू ने इस तरफ लेफ्ट की तरफ लगाई, क्योंकि एम टू ने लेफ्ट की तरफ लगाई तभी तो एम टू को राइट की तरफ सेम फोर्स मिली। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब ये 20 ए डैश की वैल्यू है, ये 20 ए डैश ही है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखें, इसको छोड़ दें, एक्स एक्सिस में देखें सिर्फ, एक्स एक्सिस में राइट की फोर्स कितनी है टी, लेफ्ट की फोर्स कितनी है सॉरी राइट की फोर्स कितनी है एफ, लेफ्ट की फोर्स कितनी है टी और लेफ्ट की फोर्स कितनी है एन वन। तो फिर क्या बनेगा, एफ माइनस टी माइनस एन वन इज, इसका मास 100 है, 100 इनटू पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश। अब आपने ऊपर से टी भी निकाल लिया, एन वन भी निकाल लिया, ए डैश भी निकाल लिया, यहां से फोर्स की वैल्यू आएगी। बोलो, देखो टेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पे ये क्लैंप लगा हुआ है, इस टेंशन ने क्लैंप पे जोर लगा देना है, ठीक है। वो क्या होगा, अगर ये टी है, ये टी है, रूट टू टी लगाएगा, पर हम क्योंकि एक्सेस एक्स ले रहे हैं, फिर मैं तुम्हें कहूंगा रूट टू टी के कॉम्पोनेंट्स लो, तो फिर टी एन टी फिर बोलोगे। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि टेंशन 100 केजी को अफेक्ट नहीं कर रही, क्लैंप है, जितना तेज टेंशन होगी क्लैंप टूट सकता है आपका, तो क्लैंप के ऊपर पूरी फोर्स लग रही है, तो क्लैंप के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो टी एन टी ही बनेंगे, इसलिए इसको लेना जरूरी है। और यही इसमें ट्रिक है, तुम टेंशन नहीं लोगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो रेयर क्वेश्चन है, पर अगर आ गया तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें ये मंकी वाली प्रॉब्लम, पुली वाली प्रॉब्लम कर दी इसने, एक बार चेक कर लो, पुली वाली प्रॉब्लम है इसमें, पुली नहीं सॉरी क्या नाम है, लिफ्ट वाला केस। मंकी जिसका मास 50 केजी है क्लाइम्स ऑन अ रोप विच कैन स्टैंड अ टेंशन ऑफ 350। तो एक मंकी है वो ना रस्सी पे चढ़ सकता है और रस्सी मैक्सिमम टेंशन 350 सह सकती है, नहीं तो टूट जाएगी इससे ज्यादा। मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 एंड देन क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5। तो कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार मंकी को नीचे उतारो, एक बार ऊपर चढ़ाओ और चेक करो टेंशन कितनी है और टूटेगी या नहीं टूटेगी ये भी बताओ। हाँ, टूटेगी तब अगर आपकी टेंशन 350 से ज़्यादा आ जाती है, तो तुम टेंशन निकालो ना, रस्सी में टेंशन निकालो कितनी है। इसको मत यूज़ करो, ये मत सोचो टेंशन गिवन है, वो तो वार्निंग दे रहा है 350 से ऊपर टूट जाएगा, तो तुम्हारी कितनी टेंशन है तुम ये कैलकुलेट करो। तो तुम दो केस बनाना, मंकी नीचे उतर रहे, एम जी नीचे टी ऊपर, रस्सी के ऊपर टी ऊपर, तो इक्वेशन क्या बनेगी नीचे उतरने में, एम जी माइनस टी इज एम इन टू ए वन। तो आपको इस ए वन फर्स्ट केस में 4 गिवन है, यहाँ से टेंशन 300 आ रही है, मंकी सेफ है, नीचे उतरते हुए टेंशन 300 न्यूटन है और रस्सी को तोड़ने के लिए 350 चाहिए, रस्सी नहीं टूटेगी। फिर इसको ऊपर चढ़ाओ, जब ऊपर चढ़ाते हो तो टी माइनस एम जी इज एम इन टू ए टू लगाना है, एक्सेलरेशन ए टू कितना है क्वेश्चन सेकेंड केस में 5 है, नीचे उतरते हुए 3 है तो ऊपर चढ़ते हुए 5 है, टेंशन निकालो बहुत ज़्यादा आ रही है कितनी 750, रस्सी टूटेगी। अगर टूटेगी तो फिर ऑप्शन सी मार्क करना है भाई, ऊपर चढ़ते हुए रस्सी टूट जाएगी, सी ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं है कि टेंशन मैच करेगी करेगी, रस्सी टूट भी सकती है। तो तुम्हें दोनों केसेस सॉल्व करने हैं, दोनों के अंदर टेंशन निकालनी है 350 से ऊपर तो रस्सी टूटेगी, नीचे आंसर मार्क कर देना टेंशन का। तो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये मोमेंटम वही फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम रिपीट है, एम वन एम टू सेम क्वेश्चन, पुली वाला सेम, कुछ नहीं है इसमें भी करने वाला। नेक्स्ट कितनों के पास ये मेंस की बुक है,
नीट वालों का नीट की है, अब नीट वालों की नीट की बुक करनी है और कुछ इजी क्वेश्चन इसमें से भी करने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक जैसे ही लग रहे हैं मेरे को तो ये सारे। हाँ वो तो दे रहा हूँ मैं आपको। तो यूनिफॉर्म तो जिनके पास बुक्स है वो बुक्स लेके आया करेंगे अपनी अपनी क्लास में, वो बेटर है, तो साथ वहीं के वहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक मेटल की चेन है, पुली के ऊपर चढ़ा दी उसने, कैपिटल एल उसकी लेंथ है और फ्रिक्शनलेस है, रेस्ट से रिलीज कर दी, पार्ट ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज हैंगिंग ऑन वन साइड, ये देखो स्मॉल एल ऑन वन साइड, तो अदर साइड कितनी है एल माइनस एल ऑन द अदर साइड, एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब स्मॉल एल की वैल्यू एल बाई एक्स होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द चेन क्या हो, एक्सेलरेशन ऑफ द चेन जी बाई टू है, एक्स निकालो। तो पहले आप एक पॉइंट को समझ लें, जब ये इंस्टेंट आपको गिवन है कभी भी, तो इसका चेन का मास क्या निकलेगा, देखो चेन का मास हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ है, तो एरिया वाइज तो होता है, लेंथ वाइज होता है। तो हमने ये काफ़ी बार किया कि अगर लेंथ एल है तो मास हमेशा क्या लेते हैं वन है, तो वन है तो एम बाई एल है, और हमारी चेन कितनी लटक रही है स्मॉल एल, तो मास कितना होगा, ये मास होगा। तो आज बस स्ट्रेट सीधा पुट करेंगे, इस पोर्शन का जो मास है एम बाई एल इंटू स्मॉल एल है, इस पोर्शन का बोलो मास क्या आएगा, एम बाई कैपिटल एल इंटू एल माइनस एल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इधर से। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बना लेना, मान लेते हैं ये सिस्टम नीचे जा रहा है, तो देखो क्या करेंगे, इसका वेट ध्यान से देखना, इधर क्या कर रहे हैं, इसका वेट माइनस इसका वेट, इसका वेट क्या है एम, इसका मास क्या है एम बाई एल, एम बाई एल इंटू एल माइनस एल इंटू जी इसका वेट है, इसका वेट कितना है एम बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी, तो नेट वेट कितना है, नेट फोर्स कितनी है, राइट की फोर्स माइनस लेफ्ट की फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन बना लेना, इस इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन ए गिवन है जी बाई टू, तो तुम यहाँ पर ये मत देखना, ए को जी बाई टू पुट कर लेना, अपने आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बात ही खत्म है, कुछ करना ही नहीं फिर तो। मतलब आपको ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि एक्सेलरेशन ऑफ द चेन जी बाई टू है, और स्मॉल एल को क्या पुट कर लेना, एल बाई एक्स पुट कर लेना, मतलब ये मेन इक्वेशन है, ये आपकी मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एल आपको पता है, ए आपको पता है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज को पुट करके आंसर आ जाएगा, बात खत्म, कैलकुलेशन अपनी अपनी है, उसकी कैलकुलेशन मत चेक करो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि करना क्या है, बड़े वेट में से छोटे वेट को माइनस करके नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये थ्योरी के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको वैसे नॉर्मली आता नहीं, 23 साल में एक ही बार आया है, ये काफ़ी पुलिस हैं और 2-3 मास्टर्स भी गिवन है। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें ये बताना है कि इनकी एक्सेलरेशन की आप बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इसको क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं उससे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन ऐसी होती हैं कि अगर मान लो आपके पास जैसे ये केस है, हमने किया भी था ये केस है, इसमें दो पुलिस हैं और ये 3 मासेज हैं, आपको ये बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन अगर A1 है, इसकी A2 है और इसकी A3 है, तो आपको A1, A2, A3 में रिलेशन बताना है क्या होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए आप पुली टॉप की पुली का ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, आप टॉप की पुली से किसी भी इंस्टेंट पर इसका डिस्टेंस ले लें, इस रस्सी का डिस्टेंस कितना है X1 है, इस पुली और इस पुली के बीच में डिस्टेंस X4 है, इस पुली और इस 3 वाले पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है X3 है। तो अगर मैं बोलूं कि इस रस्सी की लेंथ कितनी है, ये जो ऊपर जा रही है, ये देखो ये जो ऊपर जा रही है ये वाली, तो इसकी लेंथ कितनी है X1 है, इसकी लेंथ कितनी है X4 है, तो X1 प्लस X4 इज इक्वल टू L1, ये टोटल लेंथ है पहली रस्सी की। दूसरी रस्सी ये रही, इसकी लेंथ कितनी है, अब ये लेंथ अगर आपको निकालनी है तो इस लेंथ के लिए टोटल ये डिस्टेंस कितना है X2 और ये डिस्टेंस कितना है X4, तो माइनस करके X2 माइनस X4, और ऐसी अगर इसका निकाल लें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है X3। तो आप एक काम करेंगे, इसमें ये मैं इस रस्सी की लेंथ पूछ रहा हूँ ये वाली, तो आप ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, एक तो X2 में से X4 को माइनस करके X2 माइनस X4 आ जाएगा, और आपको ये लेंथ निकालनी है तो X3 में से X4 को माइनस कर देना, तो ये लेंथ आ जाएगी, ठीक। तो इन लेंथ को पुट करके ये आपकी पहली लेंथ L1 हो जाएगी, ये आपकी पहली लेंथ L1 हो जाएगी, ये आपकी दूसरी लेंथ L2 हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ जाएगी, ऐसे ये टर्म आ जाएगी। तुम अगर इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करो
तो एक्सलेशन आ जाएगी क्योंकि लेंथ तो कॉन्स्टेंट है। तो दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे x1 a1 बन जाएगा, x4 a4 बन जाएगा। दो बार इसको करने पे ये a2 बन जाएगा, ये a3 बन जाएगा, ये a4 बन जाएगा और इन्हें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये एक लंबा तरीका है, कंस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं इसे। तुम हर रस्सी की लेंथ लेते जाओ, उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके एक्सलेशन निकालते जाओ। इससे भी एक छोटा तरीका है, इसको वर्चुअल वर्क बोलते हैं। ये नहीं करवाया था मैंने प्लस वन में। तो वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी आप यहाँ पर ही काम करें, नीचे से स्टार्ट हो जाएं, टेंशन टी एन टी, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी टू टी, आज करवाया था टू टी टू टी, फिर यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगी डबल, कितनी फोर्टी फोर्टी टेंशन आ गई। फिर आपने क्या करना है, मान लेना है कि इसकी एक्सलेशन ए वन है, फिर आपने मान लेना है इसकी एक्सलेशन ए टू है, इसकी एक्सलेशन ए थ्री और इसकी ए फोर है, ये रिलेशन निकालना है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट है वो जो ये कहता है कि टेंशन और एक्सलेशन का प्रोडक्ट पूरे सिस्टम के लिए जीरो है। ये देखो टेंशन यहाँ पर कितनी है 40 इंटू ए वन, यहाँ पर कितनी है 2t इंटू ए टू, यहाँ पर कितनी है t इंटू ए थ्री और यहाँ पर कितनी है t इंटू ए फोर इक्वल टू जीरो, आंसर आ गया। ये सबसे सही तरीका है, पहले वाला तरीका तो काफ़ी लंबा है, ये ज़्यादा बेटर है। टेंशन और एक्सलेशन के प्रोडक्ट को उठा के जीरो कर, मतलब सारे सिस्टम के लिए तीन जितने ब्लॉक्स हैं उतनी ये वैल्यूज़ बनेंगी, चार ब्लॉक्स हैं चार वैल्यूज़ बनेंगी और नेट सम जीरो कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसे ले लिया ना, एक्सलेशन ए वन है, जैसे ये वाला सिस्टम ए फोर है। देखो उसने उस पहली बात तो उसने ना क्वेश्चन के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं डालना है इसमें, ये ए की मतलब कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन का वो कॉन्सेप्ट है। हाँ वैसे तभी तो जीरो होएगा, जीरो तो तभी होता है उसमें से कुछ टर्म पॉजिटिव होंगी और कुछ टर्म नेगेटिव होंगी तो होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो फिर मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि ये अगर नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाने वाला पॉजिटिव नीचे आने वाला नेगेटिव, फिर अगर विद ऑप्शन में अगर नेगेटिव गिवन होता फिर मैं डायरेक्शन भी लेता। इसमें गिवन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो सीधा ले लिया ऐसा है। तो टी इंटू ए का प्रोडक्ट जीरो लेना है, वो तो ऑप्शन देख लिया ना मैंने, मैं अगर ऑप्शन देखूँ तो मेरे को कहीं नेगेटिव दिखता ही नहीं है, तो मतलब उसने लिया ही नहीं है नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड के साथ ही कर गया। पर लेकिन अगर डायरेक्शन किसी की नेगेटिव है और तुम्हें ऑप्शन में प्लस माइनस दिख रहा है तो जो ब्लॉक नीचे जाएगा उसको माइनस और जो ऊपर जाएगा उसको प्लस के साथ ऑप्शन आ जाएगा। तुम ऐसा कर लो ना, एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर जो ऊपर नीचे है उसको प्लस माइनस कर लेना, ऐसे भी सही है। तो मतलब ये सबसे छोटा तरीका है, इससे छोटा तरीका नहीं है कोई भी, टी इंटू ए का प्रोडक्ट जीरो कर देना। ये सिंपल है, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये नहीं करना, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको करना नहीं चाहिए। कहाँ गया ये रहा। देखो कुछ क्वेश्चन ना जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, देखो जो सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो बेसिक क्वेश्चन है, आप घर जाके ट्राई करेंगे आपसे फटाफट होंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है ये एफ पूरा फोर्स गिवन है और आई होप ये तीन क्वेश्चन अगले शायद नीट में ना आए। तो ये एफ की वैल्यू है जो टाइम का फंक्शन है, छोटा टी वेरिएबल टाइम है। आपको क्या निकालना है, एफ नॉट और टी कॉन्स्टेंट है, फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर टाइम इंटरवल टू टी, 2t टाइम के लिए फोर्स एक्ट करती है। वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t क्या होगी। देखो जब भी फोर्स से वेलोसिटी निकालनी हो तो फोर्स को डिवाइड करके पहले क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन, मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या निकलेगी वेलोसिटी। तो देखो कैसे, इस फोर्स की वैल्यू को मास से डिवाइड कर लो तो क्या आ गई, एक्सेलरेशन। पहला स्टेप क्लियर है, और नॉन मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन बेसिक तो आती है। एक्सेलेरेशन की जगह क्या पुट कर लो, dv बाय dt, ये क्वेश्चन भी क्लियर है। उसके बाद dv वाली टर्म एक तरफ, dt वाली टर्म एक तरफ, ये स्टेप भी क्लियर है। और आपने इंटीग्रेशन तो कर ही ली प्लस टू में, जीरो से कैपिटल 2t तक इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा, डन, कुछ करना ही नहीं है। फोर्स से मास डिवाइड करके एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन dv बाय dt, dv और dt की लिमिट लगा के आंसर। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट आई होप मेरे ख्याल से अब ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा प्लस टू में, प्लस वन के अंदर तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है क्या करना है, आप वहाँ तो कर ही लिया आपने, आई होप ये तो बेसिक है प्लस टू का, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक स्मॉल मास है,
इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ यू और बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एम के वी स्क्वायर. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू बॉल व्हाट. देखो आपने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसको एक फोर्स क्या मिल रही है, एम जी नीचे की तरफ, और एक रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे की तरफ है क्योंकि फोर्स एयर की रेजिस्टेंस है, एम के इंटू वी स्क्वायर नीचे की तरफ. तो ये बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जाने की फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो रादर रिटार्डेशन बोलना चाहिए, ऊपर जाने में एक्सेलरेट नहीं करेगी, रादर क्या करेगी, रिटार्ड करेगी. या मैं ऐसा बोल लेता हूँ, चलो इस पर नेट फोर्स क्या एक्ट करेगी, नेट फोर्स एक्ट करेगी एम जी प्लस एम के इंटू वी स्क्वायर एस ए, ये नेट फोर्स है. क्योंकि नेट फोर्स नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिटार्डेशन, ऐसे नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाने में स्पीड घटेगी बढ़ेगी नहीं. तो यहाँ से m m और m क्या हो गया, कैंसल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर. अब आपको इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, इसमें क्या होगी ये क्वेश्चन है. आपके पास यही तरीका है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इज माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर. अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको हाइट निकालनी है और यहाँ पे क्या चल रहा है, टाइम, टाइम तो चाहिए ही नहीं. तो एक काम करेंगे, डी वी बाई डी टी की जो वैल्यू है माइनस ऑफ जी प्लस के वी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड से डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं. उससे क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी, और वी इंटू क्या बना, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के इंटू वी का स्क्वायर. ऐसे मतलब टाइम को एलिमिनेट करके, डी टी को एलिमिनेट करके डी एक्स ले आए. अब इसमें क्या करना है, वी वाली टर्म्स एक तरफ, ये वी है, और जी प्लस के वी स्क्वायर एक तरफ, माइनस डी एक्स एक तरफ इंटू डी वी. ऐसे मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, मेरे ख्याल से मैथ्स वाले लोग जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें. तो डी एक्स एक तरफ, डी वी एक तरफ, अब तुम इसके इंटीग्रेशन कर देना और हाइट जीरो से एक्स जो करनी है कर देना, आपका आंसर आएगा. मतलब पहले आपको फंक्शन प्रॉपर बनाना पड़ेगा. ये देखो, तो पहले ही एक्सेलरेशन लिखी, एक्सेलरेशन को मैंने वो डी एक्स डी 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 वी बाई डी टी करके डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड करके ये रूल बनाया. फिर मैंने कहा, ये देखो यहाँ तक मैंने करके दिखाया, इंटीग्रेट कर लेना. मैंने डी एक्स लिया था, इसने डी एस ले लिया, जीरो से एच, आपको एच हाइट निकालनी है, जीरो पे वेलोसिटी क्या थी बॉडी की, यू, और टॉप पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. तो वेलोसिटी की लिमिट यू से जीरो और एस की लिमिट जीरो से एच. अब मैथ्स वाले जानते हैं इसको क्या करना है, मेडिकल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार, ये कैसे होएगा, हो नहीं पाएगा, तो मैथ्स वाले लोग तो इसको कर ही देंगे. ठीक है, सिर्फ ये ही नहीं, ये क्वेश्चन देखो, जब प्रैक्टिस करोगे मेंस की अभी पीवाईक्यू बुक, तो ऐसे करनी है, 2024 के क्वेश्चन सारे, 2023 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन, 2021, ऐसे मत करना, सीक्वेंस में मत करना. मैं करवा तो सीक्वेंस में रहा हूँ, ईयर वाइज करते जाना, आपको पता लगता है कि कितने साल के पेपर होते जा रहे हैं. क्योंकि बहुत पुराना पेपर भी करके क्या करोगे, 2018 और 19 स्किप भी करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अभी आपके पास सिर्फ बहुत कम टाइम है. टाइम है तो कर लेना, नहीं तो उलझ सकते हो उस पेपर, दो पेपर्स के अंदर, 18 और 19 के पेपर में. मतलब उसको प्रायोरिटी थोड़ी कम देना, पहले आप शुरू करना यहाँ से नीचे से, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18 पहुँच गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं. काफ़ी लोग सारी भी बुक कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब इतना रखते हैं, जो लोग अभी लास्ट ईयर से मैं देख रहा था, सारी किताब करके ही चले जाते हैं कई लोग, इतना दम रखते हैं कि वो कर देते हैं फटाफट सारी बुक कर देते हैं. तो सारी हो जाए उससे, तो उससे अच्छा कुछ हो क्या सकता है, सारी ही करनी चाहिए वैसे. ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. तो स्पेसशिप है और वो एक इंटरप्लैनेटरी डस्ट को स्वीप कर रही है, एज अ रिजल्ट मास इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ डी एम बाई डी टी गिवन है, डी एम बाई डी टी मास चेंज हो रहा है, वे आर वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन क्या होगी ये बताओ. देखो इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स, जब एक स्पेसशिप जाती है स्पेस में
तो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगती नहीं है, हम जाके फोर्स तो लगा नहीं रहे। अब फोर्स होती क्या है, डी पी बाई डी टी, और पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्योंकि वो कह रहा है इसमें चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं मास और वेलोसिटी। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मास इंटू डी वी बाई डी टी, और एक बार वी बाहर डी एम बाई डी टी। तो यहाँ से आपको डी एम बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है वी क्यूब इंटू समथिंग, क्या गिवन है, बी इंटू वी स्क्वायर। तो इसकी जगह बी इंटू वी स्क्वायर, बी इंटू वी स्क्वायर इंटू वी क्या बनेगा, बी इंटू वी का क्यूब। इस टी को ध्यान ना देंगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। मेडिकल में ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तीन क्वेश्चन बोला था मैंने, ये तीन मुश्किल हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स को जीरो पुट कर देना, जीरो पुट करके डी वी बाई टी टी क्या है, एक्सेलेरेशन, यही निकालना, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब पहला स्टेप है और कुछ भी नहीं है, पहले स्टेप को ध्यान से देख लो। पहले स्टेप के अंदर आपने फोर्स को जीरो पुट कर देना है स्पेसशिप के लिए, ये एक्सेलेरेशन आपको निकालनी है, और ये आपको बी वी स्क्वायर गिवन है। इस कैलकुलेशन को छोड़ो, अपना ए निकाल लेना, आंसर है बस डन, ये किया है मैंने। तो डी वी बाई डी टी निकालना है, और डी वी बाई डी टी क्या है, ए फॉर एक्सेलेरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका। वैसे ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे कम ही लगती है, नहीं आती, छोटे क्वेश्चन ही आए हुए हैं, कोई बड़े क्वेश्चन ही आए हुए। फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया नॉन मेडिकल वालों को, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था ना एम के स्क्वायर वाला, वही सेम आ गया, एम गामा कर दिया के की जगह, एम के इज अ फंक्शन ऑफ टी है, मतलब टाइम डिपेंडेंट है वो, मतलब टी को मत देखो उसे। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये कर लो, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पार्टिकल जिसका मास m है इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p, तो फोर्स kt है, टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रही है, इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन अ मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t, सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू 3p, तो वैल्यू ऑफ t क्या है। देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है, आप एक पॉइंट को समझो, फोर्स वेरिएबल है, तो अगर फोर्स वेरिएबल है बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, वेरिएबल फोर्स है ना, तो आपको फोर्स का एक ही फॉर्मूला आता है पी के साथ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो लगा दो फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, और फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, के टी, तो ये लिमिट लगा देना। वो कह रहे हैं कि मोमेंटम कहाँ से कहाँ हो गया, पी से थ्री पी हो गया, कितनी समय में, जीरो से टी समय में, तो निकाल लेना टी की वैल्यू निकालनी, आंसर। मतलब बिना इंटीग्रेशन के मत करना, कहने का मतलब ये है, तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मोमेंटम जो है p से 3p हो गया, फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो सबको पता है कि ये कैलकुलस ही लगेगा इसमें, और यहाँ पर f की वैल्यू कितने के बनना है, kt, तो 0 से t टाइम में मोमेंटम p से 3p हो गया, तो आप लिमिट p से 3p लगाना, 0 से t लगाना, फिर आंसर निकाल लेना, t की वैल्यू आएगी। ठीक है यहाँ तक, क्वेश्चन है, टू फिक्स फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन 60 और 30 डिग्री पे है, दो ब्लॉक्स हैं, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो जब ये नीचे आएंगे इंक्लाइन प्लेन से, तो ए और बी की वर्टिकल एक्सेलरेशन होंगी, वो क्या होंगी, पहले एक पॉइंट को समझ लें। इसके अंदर वर्टिकल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सपोज करो आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये आपके पास एक कोई भी बॉडी है, एम मास है,
इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, जी है ना, वर्टिकल एक्सेलरेशन जी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जब ये नीचे उतरेगी, ये कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब ये नीचे उतरेगा, है ना, दो इंक्लाइन प्लेन पे दोनों ब्लॉक्स हैं वो नीचे उतर रहे हैं, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगी ये बताओ। देखो ये उतरने की एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहां पे जी साइन थीटा जो ब्लॉक नीचे देखो मेरे ऊपर जी लग रहा है, अर्थ ने मेरे ऊपर जी लगाया, पर मैं जी से मूव थोड़ी ना कर रहा हूं, ठीक है, मैं खड़ा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, हाँ मेरे ऊपर जी लग रहा है। अगर इंक्लाइन प्लेन यहां पे मूव कर रहा है तो वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एक्चुअल में, जी साइन थीटा से, जी तो लग रहा है पर सारा जी इसके ऊपर एक्सेलरेशन जनरेट नहीं कर रहा, जी का कंपोनेंट इसको नीचे उतार रहा है, और वो कंपोनेंट कितना है, जी साइन थीटा। अब अगर मैं ये पूछूं कि इस क्वेश्चन में, चलो सारा कुछ भूल जाओ, बस मुझे ये बताओ कितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे उतर रहा है, तो आपने बोला ठीक है जी आंसर है जी साइन थीटा। उसने ये पूछ लिया कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। अब क्योंकि अभी एक डायग्राम बना था, ये कितना था थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, अब जी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका कंपोनेंट ले लिया। अब ये मत कहना इसका कंपोनेंट जी आएगा, जी नहीं आएगा, जी से तो मूव कर ही नहीं रही बॉडी, कोई फ्री फॉल थोड़ी ना हो रहा है, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल क्या होगा वो मैंने कंसिडर किया, तो जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा, जी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन होगी जिसे एक्चुअल में बॉडी नीचे आ रही है, जी से नीचे नहीं आ रही, आप आंसर मत बोलना जी, जी साइन थीटा से नीचे आ रही है, और वर्टिकली एक्सेलरेशन का कंपोनेंट मैंने इसमें कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बॉडीज उतर रही हैं ए और बी, वर्टिकल एक्सेलरेशन बोलो पहले क्या होगी, इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगी, जी इंटू साइन स्क्वायर 60, इसकी क्या होगी, जी इंटू साइन स्क्वायर 30, अभी मैंने शॉर्टकट बनाया, जी साइन स्क्वायर, जी साइन स्क्वायर। वो कह रहे हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, बड़ी में छोटी एक्सेलरेशन को माइनस कर देना आंसर आ जाएगा। तो बर वर्टिकल एक्सेलरेशन निकलेगी कैसे, बात समझ में आ रही है, अगर जिनको ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लें, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी है, तो ले लेना इसका कॉम्पोनेंट, ले लेना कॉम्पोनेंट क्या आएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे किया है मैंने, जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट लेने का मतलब ऐसा किया है, वर्टिकल किधर, वर्टिकल है वो तो है ही, वर्टिकल पूछ ही वर्टिकल रहा है तो फिर वर्टिकल ही है। ठीक है, तो डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है, खुद ही बता रहा है वर्टिकल, तो आंसर भी वर्टिकल। एक्स और टी का ग्राफ है, क्या देता है स्लोप, क्या देता है वेलोसिटी, डीएक्स बाई डीटी वेलोसिटी, क्या निकालना है इंपल्स निकालना है, क्या होगा तो इंपल्स में क्या करेंगे, इसमें यहां पे फिगर शोज कौन सा ग्राफ है, एक्स टी टाइम ग्राफ है, मास आपको बॉडी का गिवन है, इंपल्स क्या होगा बताओ, चेंज इन मोमेंटम, तो तुम P2 माइनस P1 कर लेना आंसर आ जाएगा। अब P2 माइनस P1 होगा क्या, कहाँ पे निकालना है इंपल्स आपको, बस एक बस ये डायग्राम ही गिवन है, कुछ गिवन भी नहीं है इसमें, क्या करें, स्लोप निकाल लें। ठीक, तो इसकी स्लोप निकाल लेंगे, चेक कर लो इसकी स्लोप क्या आ रही है, ये 2 है और ये 2 कितनी 1। अब एक बात बताओ मुझे, एक्स 2 हो गया, एक्स 0 से 2 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 0 हो गया, मतलब क्या है इसका, डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर वापस आ गई, है ना, वापस आ गई, यानी कि रीबाउंड हो गई, रीबाउंड हो गई, रीबाउंड का केस है ये, बॉडी ऊपर गई 2 मीटर फिर 0 पे आ गई, तो जब जा रही है तो फिर मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, जाने की वेलोसिटी कितनी है 2, स्लोप 2 है 2/2, आने की वेलोसिटी भी कितनी है 2/2 1, अच्छा 1 सॉरी, तो इसकी स्लोप कितनी है 1, इसकी स्लोप कितनी है 1, तो जाने का मोमेंटम m into 1, आने का भी m into 1, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है
m इंटू वन माइनस माइनस m इंटू वन, क्योंकि वो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो फिर टू टाइम्स m इंटू वी, एम वी से जा रहा है, एम वी से आ रही है, तो फिर वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, तो टू एम वी, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वही आपका इम्पल्स आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर या तो फोर्स इंटू टाइम लगेगा या चेंज इन मोमेंटम लगेगा, और चेंज इन मोमेंटम ही लगेगा क्योंकि ना फोर्स पता है ना टाइम पता है, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी, और वेलोसिटी कहाँ से आएगी, स्लोप से आएगी। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, तो ये एक बार आपको इसको ध्यान से देखना है। तो ये जो पीपीटी का हो, पीपीटी मैं आपको दे दूंगा इसकी, अगर जिनके पास बुक नहीं है, और अगर बुक है तो अच्छी बात है, तो वहाँ से इन फोर्स की प्रॉब्लम को ट्राई करना है। परसों की क्लास में फ्रिक्शन होगा और सर्कुलर, फ्रिक्शन सर्कुलर की कॉम्बिनेशन, हो सकता है सिर्फ फ्रिक्शन ही हो पाए अगली बार, और फिर उसके बाद फिर सर्कुलर हो, तो आप प्लीज़ इतनी देर में इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लें।